हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो स्टूडेंट, एज यू नो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट न्यूमेरिकल ऑफ नेशनल इनकम कैलकुलेशन थ्रू इनकम मेथड। सो लेट्स स्टार्ट। हियर इज द क्वेश्चन गिवन, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट नेट डोमेस्टिक इनकम, ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम, नेट नेशनल इनकम, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। आइटम्स इज गिवन, इनडायरेक्ट टैक्स 9000, सब्सिडीज 1800, डेप्रिसिएशन 1700, मिक्स इनकम 28000, ऑपरेटिंग सरप्लस 10000, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस 300, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज 24000। सो वी हैव टू कैलकुलेट दिस फ्रॉम इनकम मेथड। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट नेट डोमेस्टिक इनकम। नेट डोमेस्टिक इनकम बेसिकली टोटल इनकम विच एक्सक्लूड द टैक्सेस एंड डेप्रिसिएशन, यानी जो एक्चुअली हाथ में हमारे इनकम आती है पूरे देश की, जिसमें से टैक्सेस और डेप्रिसिएशन वगैरह सब कुछ हटा दिया जाता है, और जो एक्चुअल बस्ती है उसी को हम एनडीआई कहते हैं। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए हमें चाहिए इनकम। सो सबसे पहले हमारे पास समझिए, मिक्स इनकम प्लस प्रॉफिट प्लस कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज। Okay, so mixed income, the question is given 28,000 plus profit means operating surplus 10,000 plus compensation to employees is 24,000. It will become 62,000 crore as the items in rupees is given in crore. Next will be gross domestic, GDI. Now GDI is that income which actually present at the first. इसमें ना तो कोई taxes आपने minus किए हैं अभी तक, ना ही इसके ऊपर कोई depreciation applied हुआ है। ये actual amount जो अभी तक कमा के आई है आप, ठीक है, और NDI होगी actual amount जो मिली है आप, clear? So if you have to calculate GDI, you just have to take NDI plus depreciation. NDI में अगर आपने डेप्रिसिएशन को ऐड कर दिया, वो इट विल बिकम ऑटोमेटिकली GDI। ओके, सो 62,000 प्लस डेप्रिसिएशन इज 1700 व्हिच बिकम 63,700 करोड़। नेक्स्ट इज नेट नेशनल इनकम। नाउ नेट मींस we have to take net income. अगर gross national income पूछता तो GDI plus करता, लेकिन net national income पूछा है तो NDI को plus करना पड़ेगा। So NDI plus, as you know, national income always किससे निकाली जाती है, net factor of income को plus करके, plus net factor income from abroad, ठीक है। So NDI is 62,000 plus net factor income is माइनस 300, इट विल बिकम 62,000 माइनस 300, माइनस क्या किया, प्लस माइनस माइनस, इट विल बिकम 61,700 करोड़। एट लास्ट वी हैव टू कैलकुलेट नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। सो इफ वी हैव टू कम एट मार्केट प्राइस, वी जस्ट हैव टू प्लस द इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडीज को हम कर देते हैं माइनस, ये आपको बता रखा है मैंने, ठीक है। सो नेशनल इनकम इज 61,700, नेशनल इनकम प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, नेशनल इनकम इज 61,700 प्लस इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स वी आर हैविंग 9,000 माइनस सब्सिडी, सब्सिडी वी आर हैविंग 1800, इट विल बिकम 7700 माइनस 1800, 7700 माइनस 68,900 करोड़। So this will be the criteria through income method of calculating these items.
आई होप आपको समझ में आया होगा. इफ देर इज एनी क्वेरी प्लीज मैसेज मी. इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डू आर नेक्स्ट न्यूमेरिकल ऑफ नेशनल इनकम थ्रू इनकम मेथड.